जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट्स हैं उनके सपोर्ट में बयान दे रही हैं अपने इलेक्शन कैंपेन में, JKLF को प्रमोट करने की बात कर रही हैं, जमात इस्लामी जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है रेडिकलाइज करने का जिसने काम किया कश्मीर में, उसकी सपोर्ट में अपना इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं। पाकिस्तान के लिए कहती हैं कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स ईद के लिए नहीं रखे हैं, वो हिंदुस्तान पर डालने के लिए रखे हैं, और देशवासियों को देश को देश की सोवरेनिटी देश की इंटीग्रिटी पे सवाल उठा के अपने इलेक्शन कैंपेन को चला रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या सोई है? जम्मू कश्मीर में जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं क्या वो सोए हैं? आपको इनके खिलाफ इतनी कंप्लेंट्स भी आ गई, रिटर्न पब्लिक डोमेन में भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और आपने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ये कहने के लिए की है कि जम्मू कश्मीर में आप इन 2-2% वोट लेने वाले लोगों का, जो मिसिस 2% के नाम से अब जानी जाती है महबूबा मुफ्ती, जिसको 2% वोट अपने ही क्षेत्र में पड़े, और फारूक अब्दुल्ला जो 6% वोट लेके चीफ मिनिस्टर बन गया 1996 में, रिगिंग करके चीफ मिनिस्टर बन गया, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कीजिए। धन्यवाद।